This video is not made for kids. दोस्तों दोस्तों देखो 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 ये लड़का कैसे टोपी लगा के आया है। दोस्तों इसको तो हम अपने साथ बिल्कुल भी नहीं बैठने देंगे, इसको तो जमीन पर ही बिठाएंगे, बेंच पे नहीं बैठने देंगे। अलाम के पास अब दो ऑप्शन थे, या तो वो जमीन पर बैठ जाए और किसी को कुछ भी ना बोले, दूसरा ऑप्शन ये था कि वो इन बच्चों के खिलाफ आवाज उठाए और लड़े कि वो भी डिजर्व करता है बेंच के ऊपर बैठना, जस्ट बिकॉज उसने टोपी लगाई है और थोड़े डिफरेंट कपड़े पहने हैं, इस वजह से उसको जमीन पे ना बिठाया जाए। ठीक है, तुम मुझे मत बैठने दो सीट के ऊपर, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, गवर्नमेंट को बोलूंगा कि तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा लॉ बनाए कि तुम लोग सबको इक्वली ट्रीट करना सीख जाओ। मैंने अलग कपड़े पहने हैं और टोपी लगाई है, सिर्फ इसी वजह से मुझे जमीन पे बैठने को कह रहे हो? रुको रुको, मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूँ और अपनी सारी बात उन्हें बताता हूँ। अल्लाम, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट को बोलो कि कुछ नए लॉ बनाए जिससे कि ये गलत सलत रूल जो ये क्लास में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ये लोग अप्लाई ना कर पाए और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। अच्छा, इस चीज के ऊपर मन्नू भैया ने एक चैप्टर भी बनाया है क्लास 8 का, चलो सबसे पहले उसे देख लेते हैं, फिर गवर्नमेंट के पास जाकर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंटिंग रेफर्स टू द वे इन विच ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल चैलेंज द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। जैसे अभी हुआ, अल्लाम ने चैलेंज करा जो भी उसके साथ इनइक्वालिटीज हो रही थी। आपने देखा कैसे उसको बच्चे फोर्स कर रहे थे कि जमीन के ऊपर बैठो, हमारे साथ नहीं बैठोगे, सिर्फ किस वजह से? जस्ट बिकॉज वो अकेला था पूरी क्लास के अंदर जो टोपी पहनता था और उसके थोड़े से कपड़े डिफरेंट थे। लेकिन उसने इस चीज़ को कन्फ्रंट करा, उसने बोला नहीं, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, गवर्नमेंट को बोलूंगा कि ऐसा लॉ लेकर आए गवर्नमेंट, तुम जैसे लोग जो मुझे बुली कर रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो, उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मतलब कि वो लोग जो कि बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारे लिए एक नया लॉ लेकर आओ, हमें बचाओ, लोग हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और गवर्नमेंट उन सारी परेशानियों को समझ के न्यू लॉज लेकर भी आती है। ऐसा ही एक लॉ गवर्नमेंट लेकर आई थी जिसने एबॉलिश करा था अनटचेबिलिटी को। अब ये अनटचेबिलिटी क्या चीज़ है? पहले ज़माने पे ऐसा हुआ करता था कि अगर आप दलित हैं या फिर आप अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप मंदिर के अंदर जा रहे हो, अगर आप दलित पर्सन हो तो आपको मंदिर के अंदर आने से रोक दिया जाता था। पंडित जी बोलते थे कि अगर आप मंदिर के अंदर आओगे तो आप हमारे भगवान को गंदा कर दोगे, अशुद्ध कर दोगे मंदिर को, तो उनको एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पता चला और गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और एक्शन लिया, तब से अनटचेबल लोग भी मंदिर के अंदर आसानी से आ जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साल पहले हमारा बना था जिसके अंदर सोशल कल्चरल जस्टिस मार्जिनलाइज ग्रुप को दिया गया था, वो लोग जो कि कम क्वांटिटी के अंदर हैं उन्हें हर तरीके से जस्टिस मिले, जस्टिस मतलब उनके साथ सही हो। द गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड मैनी स्कीम्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई, बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आई जिससे कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आसानी से रह सकें। गवर्नमेंट ने इन सारी पॉलिसीज को बना तो लिया था और स्कीम्स को भी बना लिया था, लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग थे उन तक ये स्कीम्स और पॉलिसी के बारे में उन्हें पता ही नहीं चलता था। और गवर्नमेंट ने फिर कोशिश करी कैसे ना कैसे करके इन स्कीम्स और पॉलिसीज़ को वो लोग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि अब आपको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब रिजर्वेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने एक और गवर्नमेंट का एफर्ट था रिजर्वेशन, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने मार्जिनलाइज्ड लोगों के साथ सही हो इसके लिए कोशिश करी। अब रिजर्वेशन का क्या कंसेप्ट होता है? मान लो अगर आपको जॉब चाहिए एंड यू बिलोंग टू अ जनरल कास्ट, जनरल मतलब कि आप किसी भी मार्जिनलाइज ग्रुप से नहीं हो, तो अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो और आपको जॉब चाहिए तो आपको 100 में से 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे एग्जाम्पल के लिए, एक जॉब के लिए, ठीक है। और यहीं पर अगर आप आदिवासी या दलित हो, यू बिलोंग टू अ एससी और एसटी कम्युनिटी, तो आपको वहीं पर 90 की जगह सिर्फ और सिर्फ
70 मार्क्स लाने पड़ेंगे और बड़ी आसानी से आपको वो जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें लग तो रहा है कि यार मार्क्स उन्हें कम क्यों लाने पड़ रहे हैं और हमें क्यों ज़्यादा लाने पड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? भैया बात तो बिल्कुल सही है, उन लोगों को कम नंबर क्यों लाने पड़ रहे हैं और हमें ज़्यादा क्यों? अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने आप को दलित बताकर, ये बोलकर कि मैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मैं भी कम नंबर लाकर गवर्नमेंट जॉब पालूंगा या फिर कोई भी जॉब पालूंगा, कितना आसान है। मोटूलाल, गवर्नमेंट उन्हें इस तरीके के बेनिफिट सिर्फ एक वजह से देती है, वो रीजन बहुत ही सिंपल है। जो भी लोग दलित या आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या जो भी शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, उन लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी होती हैं। जैसा तुम्हें पता है कि जो आदिवासी लोग होते थे वो जंगलों में रहा करते थे। अब जंगलों में वो रहते थे तो फिर वो शहर में कैसे आए? क्योंकि हम लोगों ने उनके जंगल वाली जगह ले ली। हमने क्या करा, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज लगाने लगे, उनके ट्रीज कट करने लगे। अब ट्रीज क्यों कट होते हैं? हमारे पेपर के लिए, पेंसिल के लिए, फर्नीचर के लिए। तो बेचारे आदिवासी लोग अब रहें तो रहें कहाँ पर, वो शहर में आए। अब जब वो शहर में आए तो उनको कुछ भी पढ़ना लिखना आता नहीं था, इस वजह से उनको जॉब बहुत कम मिलती थी। तो गवर्नमेंट को जब इस सब प्रॉब्लम के बारे में पता चला, तब गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इनको थोड़ी सी हेल्प करी जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि आदिवासी हो आप, दलित हो या फिर आप एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो सिंपली आपको 70 मार्क्स लाने की ज़रूरत है 100 में से। फुल मार्क्स 90 मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है पास होने के लिए, सिर्फ 70 ले आना, उसमें भी आप पास हो। और इतनी आसानी से आप अपने आप को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से नहीं बता सकते, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छी खासी चेकिंग करती है कि आप हो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से या नहीं हो, आप एससी या एसटी हो भी या नहीं हो। फॉर द सेफ गार्ड्स ऑफ दलित, द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो यहाँ पर जो 1989 एक्ट है, ये हेल्प करता है आदिवासीज को डिफेंड करने में उनके राइट्स टू ऑक्यूपाई द लैंड एंड द ट्रेडिशनल बिलोंग्ड टू देम। तो यहाँ पर जो उनकी ट्रेडिशनली चीज़ें थी, जो ट्रेडिशनल वो चीज़ें करते हैं, उस चीज़ को लेके डिफेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी बनाया था, एक रूल भी बनाया था, जिसे 1989 एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आदिवासी राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड कर सकते हैं दैट ट्रेडिशनली बिलोंग टू देम। जो उनको ट्रेडिशनली बिलोंग करता था लैंड, जिन्हें वो लोग बिलोंग करते थे जिस लैंड से, उसको वो ट्रेडिशनली ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आदिवासीज, दलित्स, मुस्लिम एंड वुमेन कम अंडर मार्जिनल ग्रुप। तो जो आदिवासी हो गए, दलित हो गए, मुस्लिम्स हो गई, वुमेन हो गई, ये सब मार्जिनल ग्रुप के अंदर आते हैं। नहीं, अभी तो भैया आपने बोला था कि जो मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं ये थोड़ा कम क्वांटिटीज के अंदर होते हैं, लेकिन औरतें तो जितने आदमी होते हैं लगभग उतनी ही होती है ना, तो यहाँ पर मार्जिनल ग्रुप में वुमेन्स को क्यों ऐड करा है? मोटूलाल, तुम्हारी क्लास के अंदर कितने बॉयज आते हैं पढ़ने के लिए और कितनी गर्ल्स आती हैं पढ़ने के लिए? भैया लगभग 16 बॉयज होते हैं और 4 गर्ल्स। तो आप यहीं पर देख सकते हो कि हमने वुमेन्स को मार्जिनल ग्रुप के अंदर क्यों काउंट करा है। यहाँ पर अगर पढ़ने के चांस में देखा जाए तो लड़कियों को बहुत कम मौका मिल रहा है पढ़ाई का, वहीं पर तुम देख सकते हो कि बॉयज को ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्लास के अंदर शायद इक्वल अमाउंट ऑफ बॉयज़ हो या इक्वल अमाउंट ऑफ गर्ल्स हो, कहीं कहीं जगह पर लड़कियाँ ज़्यादा भी हो सकती हैं लड़कों से। लेकिन अगर हम लोग पूरे इंडिया के अंदर देखें तो ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लड़कों को पढ़ाया जाता है और लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करवाई जाती। दीज ग्रुप्स एक्सपीरियंस अनइक्वालिटी। अब ये जो ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने अभी बात करी, आदिवासी, दलित, मुस्लिम्स, वुमेन, ये सब क्या है, ये इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी। हर जगह ये सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएंगे इनको डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, जिस वजह से इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इन्हें दुख भी होता है और ये इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम की के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा बुरा नहीं करा है जो कि वो ये प्रॉब्लम्स फेस करें। दे ऑफन चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, और वो कहीं बार बोलते भी हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ इतना अनइक्वल बिहेवियर क्यों हो रहा है। दे आर्ग्यू दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दे प्रोसेस इक्वल राइट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और वो कभी कभी तो ये भी बोलते हैं ये लोग कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर सबको वोट देने का राइट है, हमारा देश आज़ाद देश है,
यहाँ पर सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और हमारी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैनी ऑफ देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न। यहाँ तक कि कुछ लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ भी देखते हैं और बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ लिखा है कि हम लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। सिंपल मतलब इसका ये है कि जितने भी इंडियंस हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट का राइट है, सबको इक्वली ट्रीट करा जाए। यहाँ तक कि आप चाहे मार्जिनलाइज ग्रुप से हो या फिर नहीं हो, फिर भी आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं ज़्यादातर इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इन्हें ही इक्वल राइट्स नहीं मिलते। तो ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ऐसा कोई लॉ लेकर आओ गवर्नमेंट जिससे कि हम लोगों को मदद मिल सके, हम लोगों को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। गवर्नमेंट कुछ नए लॉज लेकर आती है फिर इनकी बातें सुन के, जिससे कि इन्हें भी फंडामेंटल राइट्स यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी मतलब कि अछूत जिसे बोलते हैं हम लोग। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि कुएं के पास या टेंपल के अंदर जाने से एंट्री नहीं मिलती थी पहले कुछ लोगों को, तो इस वजह से अब कोई भी दलित को रोक नहीं सकता कि वो मंदिर के अंदर ना जाए, पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि कुएं के अंदर से पानी ना भरें। तो अमीर लोग जो हुआ करते थे वो दलित्स को पानी नहीं भरने देते थे कुएं से, बोलते थे नहीं नहीं हमारे यहाँ के कुएं से पानी नहीं भरोगे, इसको तुम गंदा कर दोगे, तुम दलित हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया के किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, किसी भी रिलीजन को वो बिलोंग करता हो, किसी भी रेस का हो, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो और चाहे उसका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो। तो मतलब अगर आप किसी भी रिलीजन को मानते हो तो इस वजह से अगर कोई आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट और पुलिस एक्शन ले सकती है। अगर आप काले या गोरे हो, सिर्फ इसी वजह से आपको कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तब भी गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। अगर आपकी कास्ट डिफरेंट है तब भी गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, अगर आपको उस चीज़ के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है। अगर आप लड़की हो या फिर आप लड़के हो और सिर्फ आपको इसी वजह से कहीं पर डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है कि आप लड़की हो या लड़के हो, तो भी गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। दिस हैज बीन यूज बाय दलित्स टू सीक इक्वालिटी। इन्हीं सब कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को दलित्स यूज करते हैं अपने लिए इक्वालिटी पाने के लिए, जो कि डिनाई कर दी थी लोगों ने पहले उन्हें। तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, पॉलिसीज हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए हमारी कंट्री के अंदर। द गवर्नमेंट सेट अप्स अ कमिटी और अंडरटेक्स अ सर्वे एंड देन मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। अब यहां पर गवर्नमेंट कुछ कमेटी, कमेटी का मतलब क्या होता है, एज अ ग्रुप समझ लो आप, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ग्रुप समझ लो जिसके अंदर मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग मिल के एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी के अंदर ये लोग सर्वे लेते हैं, सर्वे मतलब कि कहां कहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों को। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉलिसीज मतलब एक तरीके से लॉ या रूल लाया जाता है। इस पूरी पॉलिसी और रूल को, रूल के अंदर अपॉर्चुनिटी दी जाती है उन लोगों को जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उनकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने की, और फिर इसके बाद गवर्नमेंट इन सारी पॉलिसीज को प्रमोट करती है। द गवर्नमेंट ट्राइड्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले बाय प्रोवाइडिंग फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज। अब जो दलित्स और आदिवासी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स मिलते हैं उन्हें। अब ये हॉस्टल्स क्या होते हैं, जहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, तो इन लोगों को फ्री भी दे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, बिकॉज इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं होती। आपको पता है फाइनेंशियल कंडीशन क्यों नहीं अच्छी होती, क्योंकि पहले इनके माँ बाप ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं तो इनके पास पैसे की थोड़ी कमी होती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अगर इनके पास पैसे की कमी है तो ये पढ़ाई ना कर पाएं। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि हम तुम्हारे हॉस्टल की फ़ीस दे देंगे, ठीक है, लेकिन तुम इक्वली जैसे और बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ही तुम पढ़ सकते हो। द गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एफर्ट टू एंड इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है
ये बहुत सिग्निफिकेंट एफर्ट डाल रही है गवर्नमेंट, जिससे कि हमारे पूरे देश के अंदर इनइक्वालिटी खत्म हो जाए। आखिरकार ये जो रिजर्वेशन है, ये एजुकेशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर दलित और आदिवासी को दी जाती है। लेकिन ये दी क्यों जाती है? इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये है कि इसको इस वजह से दिया जाता है क्योंकि दलित्स और आदिवासी लोगों ने बहुत सालों से प्रॉब्लम्स फेस करी है, जिनकी वजह से उनको पढ़ने और सीखने का मौका नहीं मिला। जब वो पढ़ ही नहीं पाए, जब वो सीख ही नहीं पाए, तो न्यू स्किल्स वगैरह वो नहीं डेवलप कर पाए, जिसकी वजह से आज उन्हें अच्छी जॉब्स मिलने का चांस बहुत कम है। तो गवर्नमेंट उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है रिजर्वेशन के थ्रू कि बेटा आपको थोड़े से कम नंबर लाने हैं और बच्चों के कंपेयर में, लेकिन आप भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाओगे या फिर आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जा सकते हो। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट असिस्ट दिस सेक्शन। और एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये उसका फर्ज बनता है कि जितने भी हमारे देश के अंदर लोग हैं उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले। गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ एससीज और दलित्स एसटीज एंड बैकवर्ड एंड द मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज इट्स लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यूपी, बिहार, और अगर हम लोग देखें दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो हर गवर्नमेंट के पास अलग अलग लिस्ट है एससीज की, दलित्स की, एसटीज की और बैकवर्ड्स की और बैकवर्ड कास्ट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एक ऐसी लिस्ट बनी हुई है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा आपने पता है मोटूलाल ने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम देने जाऊँगा तब ये बोल दूंगा कि मैं ना माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, तो इस वजह से मुझे भी है ना थोड़े से कम नंबर लाने पड़ेंगे और मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जैसा मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं, जैसे एससी एसटी, इन सबको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कास्ट का प्रूफ का अपना सर्टिफिकेट, जिसके अंदर मेंशन्ड होता है क्लियरली कि ये एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और तभी इन्हें बेनिफिट मिलता है जॉब के अंदर। इफ अ पर्टिकुलर दलित कास्ट और अ सर्टेन ट्राइब इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, देन अ कैंडिडेट फ्रॉम दैट कास्ट और ट्राइब कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो अगर उनका नाम गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर है, तभी उस कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा उसकी कास्ट का और उसकी ट्राइब का। ठीक है, अगर ऐसा है कि आपकी कास्ट का नाम नहीं है गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर और आप तब भी बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो मिलना चाहिए बेनिफिट एससी और एसटी का, मुझे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिसाइड पॉलिसीज, देयर आर ऑल्सो स्पेसिफिक लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक लॉज भी हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल Tribes Prevention of Atrocities Act came into being in 1989 to protect Dalits and Adivasis from the domination of powerful communities. तो जो powerful communities हैं वो Dalits और Adivasis को oppress, मतलब कि दबा ना पाएं, इस वजह से 1989 के अंदर एक कास्ट, एक हमारा एक्ट आया था जो था द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन और कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है बहुत सारे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशन है, क्या ये सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।